पशु मेला बढ़ता देवगढ़ में, तो इस बार क्या रहेगा इसका? इस बार मेला स्थगित किया गया है और इस मेले का आयोजन को लेकर जो सर्कुलर कर रहे पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी हुआ उसके हवाले से समाचार पत्रों में खबर छपी पशु मेले पर सरकार ने रोक लगाई। इस संबंध में हमने 26 अगस्त को कलेक्टर साहब से मिलकर इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने भी कहा कि पशु मेलों पर सरकार की तरफ से रोक है लेकिन सांस्कृतिक मेले का आयोजन कुछ शर्तों के साथ हो सकता है। फिर हमने इसकी रूपरेखा तैयार करना प्रारंभ किया लेकिन हमें देवगढ़ नगर से लोगों की लिखित में शिकायत आई कि भाई इस बार मेला नहीं बनाया गया और कुछ लोगों का मानना था बनाया जाए कुछ का मानना था नहीं बनाया जाए। हम हमारे प्रतिपक्ष नेता नारायण सिंह जी ने शहरी रोजगार गारंटी के दिन भी अपने उद्बोधन में कहा था उस कार्यक्रम में कि लंपी वायरस और पानी के संकट को देखते हुए हालांकि उसमें लंपी वायरस का प्रभाव ज्यादा है इसके दृष्टिगत रखते हुए मेला स्थगित किया जाए। मैं मानता हूँ 57 साल से जो मेला भर रहा है वो सांस्कृतिक धरोहर है लेकिन इस वायरस के प्रभाव को देखते हुए मैंने एक सभी 25 निर्वाचित पार्षद और 5-6 मनोनीत पार्षदों को सूचना प्रेषित कर एक बैठक का आयोजन किया गया और मेले के आयोजन के विचार जो दो बिंदु विचारणीय थे मेला आयोजन किया जाए या नहीं किया जाए आयोजन पर विचार और लंपी पे कैसे प्रभावी कार्य नगर पालिका देवगढ़ द्वारा किया जाए उसमें सभी पार्षदों द्वारा जब राय व्यक्त की गई तो सभी ने सर्वसम्मत एक ही निर्णय दिया इस बार मेले को स्थगित रखा जाए। ये एक वायरस फैलता जाए जो गोवंश के लिए संकट है पानी का भी संकट है और सर्वसम्मत जब निर्णय पार्षदों द्वारा प्राप्त हुआ कि इस बार मेला स्थगित किया जाए तो हमने मेला स्थगित रखते हुए रावण दहन और आतिशबाजी का आयोजन भव्यतम से भव्यतम रखा है और ये एक हितचिंतन नगर के लिए भी है और गायों के लिए भी है इसलिए सर्वसम्मत निर्णय हुआ इसको कतई राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए। जो सर रावण दहन का प्रोग्राम होगा वो स्टेडियम में ही होगा या? हाँ वो स्टेडियम में ही होगा जहाँ हर बार होता है स्टेडियम में बैठक व्यवस्था रखी जाएगी और सामने जो ग्राउंड है वहाँ आतिशबाजी और ये की जाएगी लेकिन मैं बता दूं कि रावण दहन और आतिशबाजी का जो कार्यक्रम कुछ वर्षों में देखने को मिला पहले भी रहा ये अपना स्तर खो चुका है। हमने अपने पूर्व कार्यकाल में 2014 में जब मथुरा के कलाकार को बुलाकर और उसको भव्यतम रूप दिया इस बार भी ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है 2014 के रावण दहन से भी अधिक भव्यतम ये कार्यक्रम हो। जैसे सर कोरोना में मेले का प्रोग्राम नहीं हुआ उस वजह से सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ था डांडिया का 9 दिन का कन्नी माता प्रांगण में तो इस बार भी इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। ये आयोजन गरबा वाला और डांडिया रास और ये जरूर रहेंगे आपके सांस्कृतिक जो त्योहार है उसको उत्सव से मनाया जाएगा और रावण दहन भी किया जाएगा भगवान श्री राम की झांकी का भी आयोजन होगा बाकी सारे काम सिर्फ दुकानें और मनोरंजन के साधन ये इस पे और पशु ये सारे प्रतिबंधन के कारण स्थगित है। तो इससे क्या रेवेन्यू पे भी कुछ इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट हालांकि देवगढ़ करणी माता मेला जो है मैं इसको रेवेन्यू नहीं मानता हूँ मैं इसको एक त्योहार के तौर पर लेता हूँ और ये एक नगर पालिका अगर अच्छे से आयोजन करती है तो रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं इस इनपे और मेलों को हमको रेवेन्यू के हिसाब से नहीं देखना चाहिए मेरा व्यक्तिगत यही मानना है रेवेन्यू से इसको नहीं जोड़ा जाए। सर जो लगभग 55 से 57 वर्ष पूर्व से मेला लगता आ रहा है
वो इस बार नहीं लग रहा है और 2 वर्ष पूर्व कोरोना की वजह से नहीं लगा, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? स्थगित किया गया तो इसलिए किया गया कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे, वैसे भी 5-7 दिन से पानी आ रहा है। क्या अगर हम ये लगाते तो ये पूरा 10-12 दिन पे चला जाएगा और 1-2 महीने के पानी का बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम स्थगित कर रहे हैं और ये पूरे सदन ने की राय लेके फिर हमने ये काम किया। साथ हमारे जैसे पशु मेला लगता है तो अभी गायों में भैंसों में बहुत सारी लंबी बीमारी लगी रही है, कोई भी देख लो कहीं भी जाओ सबको हर गाय को बीमारी मिल रही है, इसलिए इसको हमने कैंसिल किया। तो इसके अलावा क्या आयोजन रखा गया? अभी सिर्फ ओनली दशहरे का रखा गया है, 1 दिन का प्रोग्राम रखेंगे शाम को, उसका भव्य आयोजन करेंगे ताकि पब्लिक को एक मनोरंजन का दिन मिल जाए।